राति पाइले जागर यात्रा किए केते मनस्कामना नहीं विभिन्न शैवपीठ को आसुच्चे मुझे आपको एमती किसी दृश्य देखे दुईज सांग जिकि सुदूर 8,000 किलोमीटर निज पादर चलिकी आसी महादेव दर्शन करने लक्ष्य रही वर्तमान सुधा से 12 शैवपीठ रही ज्योतिर्लिंग रही दर्शन करें से नुह तो 4 धाम दर्शन करेंगे कौन रही कारण ये संपर्क में आम सहित सीधा फलक आलोचना करवा पहले तो भैया आपको अर्गस न्यूज में स्वागत है। आपका थोड़ा परिचय दीजिए, क्यों ऐसे आप चार धाम यात्रा के लिए? मेरा नाम एस मिश्रा है, मैं सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला हूँ। मैं पहले घूमने का शौक था मेरे को, तो मैं पहले केदारनाथ 2 बार गया था, तो उसके बाद मैं जॉब कर रहा था, मेरे को घूमने का मन किया तो मैं जॉब को रिजाइन करके संपूर्ण भारत यात्रा के लेके निकल गया। तो मैं निकल गया तो मेरे को 3 महीने हो गए निकले हुए, तो पहले मैं जब निकला मैं तो मैं नर्वस था थोड़ा बहुत, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस बनता गया, अच्छे अच्छे आदमी बुरे बुरे आदमी मिलते गए मेरे को, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बनता गया। अब रास्ते में भैया मिले मेरे को तो उनके साथ अब मैं पैदल चल रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। आप कौन से टेम्पल अभी तक कवर कर चुके? टेम्पल बहुत सारे कवर किए हैं, नाम उतना याद नहीं कर पाऊंगा मैं, पर बहुत सारे लगभग 30-35 से ऊपर मैं कवर कर चुका हूँ। आप जमी शुणुते विभिन्न स्थान को से जाती दर्शन करवल सी जिते बड़े बाहर सहित आउ जे युवक सामिल होते आम किसी प्रतिक्रिया ने भैया पहले तो आपको अर्गस न्यूज में स्वागत है। मेरा नाम रणवीर सिंह है, उत्तराखंड नैनीताल जिले से हूँ मैं। अब मैं टेंपल नाम बताऊं या स्टेट बता दूं? क्योंकि टेंपल जो जाएंगे 40 से ऊपर जाएंगे, स्टेट बता देता हूं वो अच्छा रहेगा। गुजरात, MP, UP, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। एक बात पूछना चाहूंगी, जी मोटो है आपका? मोटो इससे ये चीज़ है ना, जो हमारा दिल है ना वो 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 52 शक्तिपीठ उससे दर्शन हो रहे हैं। इसके साथ में जो अपने यूथ हैं भटकता है गांजे पीने में भी, अपना लड़ाई में गुंडागर्दी में पड़ जाता है दोस्तों के चक्कर में, उनको मंदिर के बारे में बताते हैं, इकट्ठा करते हैं सबको मंदिर, यानी कि मंदिर यहाँ पर है सार कुछ, यानी जो हमारी संस्कृति है हिंदू संस्कृति उसमें जोड़ते हैं सभी को हम लोग। एक साल हो गया, 2023 से स्टार्ट किया था, 1 साल हो गया। अभी तक कौन से राज्य परिक्रमा कर चुके? गुजरात, MP, UP, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आ चुके हैं अभी हम लोग। एक साल में 9,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया है, टोटल जो रहेगा 25 या 30 के आसपास में रहने वाला है। किसे लगता है ये सब करने में? और ये तो आपको टॉप होगा? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, आसान लगता है ये, बस ये सोचते हैं ना हम लोग ये टफ है, यानी कि जब स्टार्ट करते हैं वो आसान लग जाता है ये चीज़ें। बस उनको यही बोलूँगा अपने जो हिंदू धर्म है उनसे हमेशा जुड़े रहिए, संस्कृत के बारे में जानिए सारा कुछ, हाँ जो मंदिर है उनके दर्शन करिए, जो अपने अपना क्लब में जाने से कुछ नहीं होगा, मंदिर में जाइए उसमें शांति मिलती है हमेशा। आप पैदल मत जाइए, अपने किसी के साथ में जाइए, गाड़ियों से जाइए, हम तो पैदल जाते हैं, इससे हमारे इस पैदल चलने से ये रहता है हमारा जो शरीर है ना एक्टिव रहता है, अपना बीमारी भी नहीं लगता इससे, ये चीज़ है। आम जमी प्रतिक्रिया नौले दुईज युवक जिकि सोसाइट को गोटे मेसेज देवा चाहूँ एवं निज संस्कृति निज धर्म एवं तार प्रचार करने लगी पड़ते पखापाखि 9,000 किलोमीटर पादर चली चली विभिन्न शैव मंदिर कथा कहतु बा 4 धाम बुलवापी योजना रखिंट। भुवनेश्वर वीडियो जर्नालीस्ट जितेन्द्र मल्लिक सह चिन्मय साहू रिपोर्ट अर्गस। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।